हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम आईफोन 7 में 2021 में पबजी टेस्ट करने वाले हैं। BGMI टेस्ट की जो न्यू गेम BGMI आई है वो आईफोन 7 में किस सेटिंग्स पर चलती है और क्या इसका बैटरी टेस्ट रहेगा। तो चलो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा आईफोन 7 32 GB रोज गोल्ड वेरियंट और यहाँ पर गाइस मैंने इसमें iOS 15 इंस्टॉल कर रखा है। iOS 15 का बीटा 8th सॉफ्टवेयर, जैसे कि लेट मी शो यू। आप देख सकते हैं अबाउट सेक्शन में इसका सॉफ्टवेयर वर्जन iOS 15.0, मॉडल नेम आईफोन 7 और आप इसके स्टोरेज यूनिट आप देख सकते हैं 32 GB है और अवेलेबल जो इसकी स्टोरेज है वो 19 GB के आसपास है। कहने का मतलब मैंने इसमें कुछ भी खास चीज़ें नहीं भर रखी हैं। जैसे कि अगर मैं आपको आईफोन स्टोरेज सबसे पहले चेक करवाऊँ, क्योंकि आईफोन के लैग या फिर स्लो चलने में आईफोन की स्टोरेज का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। आपकी अगर स्टोरेज फुल हो चुकी है तो आपका आईफोन काफ़ी लैगी महसूस करेगा अपने आप को। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ दो एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर रखी हैं। एक तो है BGMI जो कि 2.68 GB की है, करीब 2.5 GB के पार है, और एक कैपकट इंस्टॉल कर रखी है जो कि 200 MB के आसपास है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो ओवरऑल डिवाइस है वो फ्रेश है। फ्रेश कहने का मतलब अभी अभी रिसेंटली रीसेट हुआ डिवाइस है। तो इसमें चलो मैंने पबजी वैसे BGMI इंस्टॉल की है और मैंने फेसबुक आईडी वगैरह लॉगिन कर ली है। और दोस्तों, हम जो है अपने नेटवर्क्स कह लो सिम कार्ड के ऊपर नहीं पबजी खेल रहे, हम वाईफाई के ऊपर खेल रहे हैं और सिम कार्ड मैंने इसमें इंस्टॉल। तो चलो गेमिंग स्टार्ट करते हैं। और आईफोन 7 की आप बैटरी, सबसे पहले मैं आपको हेल्थ दिखाऊं कि इसकी बैटरी हेल्थ क्या है। और गाइस, रिसेंटली अभी मैंने 2 दिन के अंदर ही इसकी जो बैटरी है वो रिप्लेस की है। आप देख सकते हैं इसकी बैटरी हेल्थ 100% है और ये कह लो कि मैंने अभी अभी न्यू बैटरी ही इंस्टॉल की है। तो चलो इसमें जस्ट पबजी को ऑन करते हैं और इसका चेक करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने ओपन होने में करीब अभी मैंने जस्ट ओपन की है और काफ़ी फास्टली कह लो आईफोन 7 में उसकी आईफोन 7 की स्पीड देखी जाए जो इसमें है आईफोन का एप्पल का A10 चिपसेट, और इसकी स्पीड देखी जाए तो इसने 1 मिनट के अंदर अंदर पबजी जो है ऑन कर दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। स्मूथ रहेगा इसमें गेम प्ले। और चलिए एक बार इसकी सेटिंग्स चेक करते हैं कि किस सेटिंग्स में हमको ये गेमिंग हमको चलेगी। जैसे कि आप इसकी सेटिंग्स में देख सकते हैं, ग्राफिक्स टेस्ट में चलते हैं। यहाँ पर मैं यूजुअली अगर मैं किसी भी आईफोन या आईपैड में गेम प्ले करूँगा तो मैं यूजुअली स्मूथ पे एक्सट्रीम पे करता हूँ। यह लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें स्मूथ पे यहाँ अल्ट्रा ही शो हो रहा है, एक्सट्रीम सेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। और अगर हम बैलेंस में जाते हैं तो भी हमें अल्ट्रा ही ऑप्शन देखने को मिलता है और HD आईफोन 6 में चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि आईफोन 7 को इससे ऊपर गेम प्ले करना चाहिए। वैसे ही चलिए HDR अगर चेक करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, HDR में हमें हाई रेजोल्यूशन या फ्रेम रेट्स हाई दिखते हैं, अल्ट्रा देखने को नहीं मिलते और अल्ट्रा HD बाकी अभी अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि मैं यूजुअली स्मूथ पर अल्ट्रा पे सेटिंग्स पर रख के इसकी गेम प्ले को नॉर्मली प्ले करता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैं क्लासिक मैच लगाऊं तो अगर मैं एक गेम प्ले फुल क्लासिक मैच में मैंने 95 पे गेम को शुरू किया था, अब इसकी बैटरी परसेंटेज 93 है। तो चलो एक क्लासिक मैच में एक फुल जो बड़ा मैच होता है वो लगा के इसकी बैटरी को हेल्थ को या बैटरी परसेंटेज को टेस्ट करेंगे कि कितनी हीटिंग इशू है और किस तरह से ये डिवाइस परफॉर्म करेगा। तो चलो गाइज, अब बात करते हैं कि कैसा आईफोन 7 पबजी पे परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों ऑन होने में थोड़ा सा कह लो टाइम लगा देता है, एकदम से जब हम गेम को ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग होने में इसके 30 से 35 सेकंड चले जाते हैं, उसमें बस डिले है। जैसे कि मैं यूजुअली आईफोन 11 या फिर आईफोन 10 या आईपैड मिनी 5 में गेम प्ले करता हूँ तो उसमें जो है मेरी 30 सेकंड के अंदर अंदर गेम जो है टोटली ऑन हो जाती है इस स्क्रीन पे और मैं जस्ट स्टार्ट बटन दबाने को जाता हूँ। और यहाँ पर इस फ़ोन में मुझे फ्रेम ड्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। जैसे कि HDR में अगर आप खेलेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेम लैग होगा, और अगर आप स्मूथ पे कह लो
स्मूथ पे हाईएस्ट या कह लो जो एक्सट्रीम फ्रेम्स हैं FPS उन पे आप खेलोगे तो आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। हीटिंग के मामले में आईफोन 6S से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मैंने जो गेम प्ले आईफोन 6S में किया था या फिर जो 7 में है उसके मामले में आईफोन 7 का जो हीटिंग टेस्ट है वो काफ़ी बेस्ट रिजल्ट्स देकर जा रहा है। कहने का मतलब आईफोन 7 जो है आईफोन 6S के मुकाबले पबजी में BGMI में काफ़ी कम हीट होता है, लेकिन हीट होता है क्योंकि एक मेटालिक फ़ोन है और मेटालिक फ़ोन जो मदरबोर्ड की हीट है वो डायरेक्टली यहाँ पर इसकी स्टील बॉडी या एलुमिनियम बॉडी पे डायरेक्टली डिसिपेट हो सकती है। और जो ग्लास बैक वाले फ़ोन्स होते हैं वो ज़्यादातर अपनी जो है बैकग्राउंड में इतनी ज़्यादा हीट को नहीं पहुँचा सकते क्योंकि आप जानते हैं कि मेटालिक चीज़ जो है ज़्यादा जल्दी ठंड या फिर ठंडी या गर्म हो जाती है। तो वही सीन है। तो दोस्तों अगर आप केस वगैरह डाल के खेलेंगे तो आपकी हीट जो है फ़ोन अंदर से ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन अगर आप बिना केस के खेलेंगे तो आपको हीट ज़्यादा महसूस होगी लेकिन आपका फ़ोन ज़्यादा ठंडे होने के जल्दी चांसेस हैं। तो बाकी अगर हम दोस्तों 100% करके अपना एक क्लासिक मैच लगा लें अपनी पबजी का तो ये 30% तक आराम से बची रहेगी आपकी जो गेम है। अगर आप चिकन डिनर तक अपनी गेम पूरी निकाल जाएंगे, अब मतलब आप पूरे 100% से अगर आप शुरू करते हैं 100% चार्ज करने के बाद में आईफोन 7 में पबजी खेलना, और अगर आप एक पूरा चिकन डिनर निकाल देते हैं अपने गेम प्ले में एक इरेंगल क्लासिक मैच में, तो आपकी जो बैटरी है वो 30% तक बची रह सकती है। मैंने जस्ट यहाँ पर वॉर गेम लगाई थी और काफ़ी सारी पेटियाँ बनाने के बाद मेरी जो बैटरी है वो अभी तक आप देख सकते हैं 75% हेल्थ है। लेकिन मैंने जैसे आपको अभी भी बताया कि मैंने 2 दिन हुई हैं बैटरी रिप्लेस करवाए, मतलब ये बैटरी अभी न्यू है, इसका पूरा जूस अभी इसमें अंदर ही है। तो आपकी अगर बैटरी 80% हेल्थ या 85% हेल्थ या 90 के अंदर है तो कह लो भी इससे थोड़ी सी कम होगी, 65 या 70% के आसपास होगी, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा खास। बेसिकली इसकी जो परफॉर्मेंस है एक फ़ोन के मुकाबले में देखा जाए तो एंड्रॉयड फ़ोन से काफ़ी बेहतरीन है, और आईफोन अगर आप इसे छोटे आईफोन मुकाबले में देखेंगे तो मुझे जो है इसका कमी क्या लगी कि इसका स्क्रीन साइज़ छोटा होने के कारण मेरे हैंड में काफ़ी बेहतरीन नहीं आ पा रहा था। मेरी जो सेटिंग हो रखी थी दूसरे बड़ी डिस्प्ले वाले आईफोन्स के मुकाबले वही मेरी जो सेटिंग्स आईफोन 7 में चल रही थी, दैट्स वाई मैं कुछ खास बंदे मार नहीं सक पा रहा था इसमें। बेसिकली मुझे प्रॉब्लम जो है इसी चीज़ में आई। बाकी मुझे सबसे बेहतरीन इसकी क्या चीज़ खास लगी कि गाइस इसके जो है साउंड स्पीकर बहुत ही लाजवाब हैं। क्या है कि इसके स्टीरियो स्पीकर्स हैं, मतलब ये वाला स्पीकर तो काम करता ही करता है, ये वाला भी करता है। जब हम पबजी में कुछ इस तरह से अपना हैंड ये वाला ढक भी जाए ना स्पीकर, तो ये स्पीकर से साउंड आती रहती है। और स्पेशली अगर बंदा कोई मान लो लेफ्ट या राइट से आ रहा है, राइट से आ रहा है तो इस स्पीकर से ज़्यादा बेहतरीन साउंड ज़्यादा निकलेगी, लेकिन अगर लेफ्ट से आ रहा है तो साफ इधर से पता चल जाता है कि इधर से बंदा आ रहा है इस साइड से, तो हम जो है जल्दी रेडी हो सकते हैं। कि हेडफोन्स की स्पेशली ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें साफली क्लियरली पता चल जाता है कि से बंदा आ रहा है। तो आईफोन 7 की ये स्टेरियो स्पीकर की खास बात है। और लास्ट में अगर बात करें इसके हैप्टिक्स की, गाइस पबजी में मैंने साउंड कम वगैरह ज़्यादा वगैरह की, तो मुझे जब इसके हैप्टिक्स फील हुए वो बहुत ही लाजवाब थे। जैसे कि मैं अपनी आपको क्लिकी साउंड इसकी सुनाई दे रही होगी, जैसे ही मैं अपनी आवाज़ को बढ़ा रहा था तो मुझे वाइब्रेशन भी फील हो रही थी कि इसकी आवाज़ बढ़ रही है एक 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 स्टेप करके। और जब मेरी आवाज़ फुल हो गई तो आप पता ही है अगर आपने यूज़ किया तो मतलब काफ़ी लाजवाब फीलिंग थी। और होम बटन इसका भी कह लो हैप्टिक्स टच सेंसिटिव है, अगर आपकी उंगली लगेगी तो ही वर्क करेगा, वैसे ही प्रेस नहीं हो जाएगा किसी भी चीज़ से। तो बाकी पबजी जो है HDR पे चल रही है, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। आईफोन 7 एक छोटा सा हैंडी डिवाइस होने में बाकी काफ़ी बढ़िया चीज़ है, लेकिन गेमिंग में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो बाकी अगर बैटरी की देखा जाए तो ठीक ठाक बैटरी इसने निकाल दी क्योंकि यहाँ पर हेल्थ बढ़िया थी। अगर फ़ोन के मुकाबले में देखी जाए 2600 mAh या इतनी सी छोटी सी बैटरी इतना बढ़िया जूस निकाल रही है, वैसे परफॉर्मेंस के मामले में भी बढ़िया है। और हीटिंग इशू यहाँ पर मैं इसी वाले रूम में हूँ तो हीटिंग इशू देखने को मिले, इशू कहने का मतलब इशू नहीं है वो, गेमिंग में इतना फ़ोन हीट होता ही है। बेसिकली अगर आप बाहर हो किसी सनलाइट कह लो गर्मी वाली जगह पे तो आपको फ़ोन तपने लगेगा। और मेरा फ़ोन जो है कम से कम 6-7 मिनट के बाद मेरे फ़ोन की ब्राइटनेस जो आईफोन खुद कम करता है वो ऑटोमेटिकली कम हो गई, वो 6-7 मिनट के बाद हुई। लेकिन अगर आप बाहर थोड़ी गर्मी वाली जगह पे बैठे हो तो आपकी फ़ोन की जो ब्राइटनेस है वो 2-3 मिनट के बाद ही हो जाएगी कम, जो कि आईफोन अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करता है।
और बाकी मुझे इसकी कनेक्टिविटी इश्यूज बिल्कुल भी नहीं देखने को मिले। बहुत बढ़िया MS की पिंग आ रही थी, 28 MS, तो और बाकी वाईफाई प्रॉब्लम मुझे इसमें नहीं दिखी। बाकी काफ़ी बेहतरीन आईफोन ने रिस्पांस दिया, कुछ ज़्यादा लैग नहीं हुआ कि एकदम लैग होने के कारण आपकी गेम आप हार गए हैं, ऐसा कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो गाइज, अगर आप एक बजट स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं आईफोन 7 और आपको जस्ट ये चेक करना था पबजी कैसी चलती है, तो मैंने आई होप आपकी मैंने सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया है। सो गाइज, ये है आईफोन 7 का BGMI टेस्ट। आई होप आपको मैंने बैटरी और बाकी जो भी हीट इशू, बैटरी लैग वगैरह जो भी इसमें पबजी के इंक्लूड आता है वो मैंने बता दिया होगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका इस वीडियो के देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपने इस चैनल को पहली बार विजिट किया है तो रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइज।